उसके दो धड़ और दो सिर थे। जन्म के साथ ही बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि वर्षों पूर्व भी इस अस्पताल में ऐसा ही एक बच्चा हुआ था। हॉस्पिटल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे जन्म देने वाली मां स्वस्थ है। डॉक्टर यादव के मुताबिक 1993 में एम्बा अस्पताल में इसी तरह के एक नवजात के जन्म लेने का केस सामने आ चुका है। 50,000 से 1,00,000 केस में से इस तरह का केस सामने आता है। देवास की इस महिला के पहले से 4 बच्चे है, ये 5वां बच्चा था। डॉक्टर के अनुसार महिला ने गर्भावस्था के दौरान जब भी जांच करवाई होगी उसे गर्भ में पल रहे इस बालक की विकृति का पता नहीं चला होगा। हमारे पास जब भी महिला आई तो उसे लेवर पेन हो रहे थे, बच्चे की दिल की धड़कनें भी नहीं चल रही थी। दो धड़ और सिर होने के कारण नवजात की चौड़ाई ज्यादा होने से नॉर्मल डिलीवरी करवाना मुश्किल था, लेकिन सभी के प्रयास से संभव हुआ। महिला के पहले से 4 बच्चे है, ऐसे में हम उसे नसबंदी करवाने की सलाह देंगे। एम्बाई में बुधवार को जब इस नवजात का जन्म हुआ तो डॉक्टर के साथ परिजनों को भी हैरानी हुई। गौरतलब है कि अक्सर इस तरह के केस में नवजात की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अमेरिका में 7 मार्च 1990 में इस तरह के दो सिर वाली बालिका का जन्म हुआ था और वो जीवित रही थी। उस समय डॉक्टरों ने इनके ज़्यादा दिन तक जीवित न रहने की संभावना जताई थी।